एकदम चाचा खड़े हैं। अरे चाचा मैं मेला कितनी दूर है, यानी मेरे बच्चे नहीं। हाँ तो ये चाचा कहाँ थे आखिर दिखाओ कि बेटा देखो सामने आगे जंगल दिख रहा है, जंगल जैसे पार करोगे आगे मेला मिल जाएगा, आगे आगे राजकुमार पीछे पीछे इनके पीछे हम रहे और जैसे घने जंगल मटे राजकुमार ये अपन बंदूक निकाल नहीं खड़ी मारे खड़ी चलते रहे ठीक से दूर रहते तभी राजकुमार भैया कहें अरे चाचा मेला कितनी दूर है, सामने आगे लगा हुआ है आगे आगे राजकुमार पीछे पीछे हमारे पीछे ही रहे और जैसे घने जंगल मटे फिर बंदूक निकाल नहीं हुआ किसी छोटू तेल लो खड़ी मारे खड़ी चलते चलते कूद रहते और जैसे राजकुमार भैया जंगलवा पार करें गहरी नदी चलती रही, राजकुमार भैया का पांव फिसल गया और वही मां बह गया। राम सिंह महाराज और महारानी को ले जाओ, इनका दुख मुझसे देखा नहीं जाए। चलिए महाराज, चलिए राजमाता, मैं कहता हूँ कि गंगा मैया में इतनी बड़ी शक्ति है, अगर जो कोई झूठ बोले थे वही तो गंगा मैया जिंदा उठा ले गई है। चलिए राजमाता, इतने जीवता मारूंगा तुम्हारे चेहरे पर ना कि साले तुम्हारा चेहरा इंसान की बजाय गधे का बन जाएगा। उस दिन साला रास्ते में साला बदतमीजी कर रहा था, साला हमका जूता मारी हो क्यों नहीं मारूंगा, वो रास्ता वाली बात भूल गए कौन बात, वही नाते रिश्तेदारी छोड़वा, ये मामला तो बिल्कुल शांत हो गया है, किसी को शक भी नहीं हुआ है कि हमारे ही बेटे को हमारा ही मंत्री मारा है, ये मामला तो बिल्कुल शांत हो गया है। लेकिन अभी हम लोग महल में आए हैं तो एक नई बात सुना है। कौन सी बात? कि एक वो डाकू संग्राम सिंह वो कहां का रहने वाला है, सुना है कि अपने राज्य को लूट लिया था और पता चला है तो अपनी जेल में बंद है। जेल में बंद है, आपका दरबार उसकी फांसी है। ये किसने बताया? अरे राजा साहब का बेटा ढिढोरा पिटवा है, कल सुबह 10 बजे उसकी फांसी है। एक विदेश में रहने वाला इंसान और हमारे हिंदुस्तान में उसकी फांसी, अगर वो मर गया तो उसके परिवार वालों को मालूम नहीं होगा कि हमारे घर का इंसान गया कहाँ है। लेकिन है जब तक ये ठाकुर शालिम सिंह जिंदा है संग्राम सिंह को फांसी नहीं होगी, संग्राम सिंह को जेल से हम छुड़वाएंगे, आज रात को जेल से छुड़वाएंगे और उससे दोस्ती करके महाराज उदय सिंह को जान से मरवाएंगे। क्या सारे बाबे इसी इसी तरीके साले अगर रास्ते में रोके कुत्ते मिल जाए तो समझो सारा भूल अजगुल होने वाला होता है। अजगुल है क्या? क्या राजकुमार तो मर गए। हम संग्राम सिंह को जेल से छुड़वाने के लिए यहाँ से जेल पहुंच रहे हैं, ये बात दो लोगों के अलावा कसम से तीसरी को नहीं मालूम होनी चाहिए। के साथे रहे रहे सारे धमदलाज हम हो को कौन उन्होंने प्याले हो उल्टा सीधा काम कराओ साथे हम हो नहीं थे, लेकिन रह कर वह ड्यूटी है करना पड़ता है। लेकिन चलते रहते कहना क्या है, और गर्मी पड़ रही है बैठे काका छाही माँ, गर्मी पड़ रही है बैठे काका छाही माँ, कार पेर महंगाई अब तो रहन मुसीबत झेल और देसी चीजें हैं जो सब फेल, महंगा हुआ है
जीएसटी का सारा है याद गोविंदा मगन है भैया रे बड़ी और मलाई माँ पार पेर महंगाई करी कमाई और बचे नया के पाई सब सजी अब तलकना आई सिलेंडर कैसे हम भरवाई पैसा जा रहा है ज्यादा आज तुम्हारी माँ कमर पेर दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय राम, जय जय राम। कैसे हैं आप लोग? मैं आपका छोटा भाई मिस्टर गोविंदा कॉमेडियन पंपापुर सुपर हिट नौटंकी यूट्यूब चैनल से बोल रहा हूँ। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है दोस्तों। और जो भी हमारे वीडियो पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, उनसे हमारा हाथ जोड़ कर निवेदन विनती है कि आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबाना दोस्तों न भूलें। जो भी हम नई से नई वीडियो बनाएं आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं आज में तारीख हो गई 17 तारीख दूसरा महीना सन 2024 यानी 17 फरवरी सन 2024। तो दोस्तों जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि 16 तारीख को हमारा प्रोग्राम रायबरेली ज़िले में दोस्तों लगा हुआ था और गांव का नाम था बाबा का पुरवा थाना गदागन जनपद रायबरेली। तो दोस्तों वहां हमारा प्रोग्राम संपन्न हुआ, बहुत खूबसूरत हुआ, बहुत अच्छे से हम लोग निपट गए हैं। और मौर्य जी के यहाँ प्रोग्राम था, तिलक में हमारे लोगों की नौटंकी बुक हुई थी और हमारा प्रोग्राम संपन्न हुआ, बहुत खूबसूरत हुआ। तो दोस्तों अब आप लोगों को हम ले चलते हैं प्रोग्राम की जानकारी की ओर। 18 तारीख दूसरा महीना सन 2024 यानी 18 फरवरी सन 2024 को पंपापुर सुपर ही नौटंकी प्रोग्राम कहाँ और किस ज़िले में लगा हुआ है। 18 तारीख को पंपापुर सुपर हिट नौटंकी का प्रोग्राम फतेहपुर ज़िला में दोस्तों लगा हुआ है गंगा पार। दोस्तों 18 तारीख दूसरा महीना सन 2024 यानी 18 फरवरी सन 2024 को पंपापुर सुपर हिट नौटंकी प्रोग्राम जिस गांव में लगा हुआ है, आप लोग गांव का नाम नोट कीजिए, नहीं पता नोट कीजिएगा। गांव का नाम है बहबलपुर पोस्ट हुसैनगंज थाना हुसैनगंज जिला फतेहपुर गंगापार। एक बार आप लोग फिर नोट कीजिएगा, गांव का नाम यानी पता है बहबलपुर पोस्ट हुसैनगंज थाना हुसैनगंज जिला फतेहपुर गंगापार। तो दोस्तों जिनके यहाँ पंपापुर सुपर हिट नौटंकी प्रोग्राम 18 फरवरी को लगा हुआ है, घर मालिक जी का नाम है माननीय हमारे सबश्री परमादरणीय श्री सम्मानित अविनाश लोधी जी के यहाँ पंपापुर सुपर हिट नौटंकी प्रोग्राम 18 तारीख को लगा हुआ है। सभी लोग आइएगा, सबका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है दोस्तों। दोस्तों वीडियो एंड करने से पहले जो भी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं और जो भी हमारे वीडियो से जुड़े हुए हैं उनसे हमारा हाथ जोड़ कर निवेदन विनती है कि आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबाना दोस्तों ना भूलें। जो भी हम नई से नई वीडियो बनाएं आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुक्त। धन्यवाद दोस्तों।